ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। सभा के विधानसभा अध्यक्ष भाई राजेंद्र लांबा जी, सुमित कटारिया जी, सोनू खुराना जी, अंजेश जी, विकास मोलना जी, सनोज जी, अब्दुल जी, पंकज जी, विधानसभा आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष छोटे भाई विनीत जी, सावेश जी, काका जी, आशीष कुमार जी और सिसोना गांव के वो तमाम साथी जिन्होंने आज इस मीटिंग का आयोजन कराने का काम किया है, मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ग्राम प्रधान सुशील जी, जोगिंदर जी, विनय जी, ब्रजेश जी, सोनू जी, राजकुमार जी, सोनू कुमार जी, पंकज जी, टिंकू कुमार जी, कुमारपाल जी, संजीव जी, सोनू जी, नरेश जी, राजवीर जी व समस्त ग्राम सिसोना के वो वरिष्ठ साथी और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आपका भाई आपको जय भीम पेश करता है, आपका बेटा आपको जय भीम पेश करता है। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, क्योंकि मेरे तमाम साथियों ने आप लोगों के बीच में अपनी अपनी बातें रखी, किस प्रकार का माहौल इस देश में बना दिया गया है, ये सारी बातें मेरे साथियों ने आप लोगों के बीच में रखी। मैं एक वाक्य आप लोगों के बीच में साझा करूंगा, हो सकता है कि उस पर आप सहमत हो कि ना हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं भावनाएं उसमें आहत हो, लेकिन अगर कोई बुराई लेकर अच्छा काम भी किया जाए तो मैं बुराई लेने के लिए तैयार हूं। मेरे समाज का अगर सुधार होता है और उस सुधार को करने के लिए अगर मुझे गालियां भी पड़ती है, जूते भी पड़ते हैं, तो मैं गालियां खाने के लिए, जूते खाने के लिए भी तैयार हूं। एक वाक्य आप लोगों के बीच में साझा करने के लिए आया हूं। कल मैं भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जिनके दिशा निर्देश पर, भाई विनय रतन सिंह जी, जिनके दिशा निर्देश पर हम लोग कार्य करते हैं, कल मैं एक गांव में पहुंचा, मेरी बात को गौर से सुनना। जब समाज का व्यक्ति बीच से चला जाता है तब उस घटना पर हम अफसोस करते हैं, घटना से पहले जब हमारे जैसे लोग, इनके जैसे लोग आपको समझाने के लिए आते हैं तब आप समझते नहीं है। आप ही के पड़ोस का एक गांव पड़ता है बालावाली, बालावाली की जो घटना है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी साथी, अरे मेरी मातृशक्ति, मेरी बहन ने उस घटना को जानती है। एक एक घर से 7 लोगों का मरना और एक परिवार से लगभग 10 लोगों का मरना, कितनी दुखद घटना है कि 10-10 चिताएं उस गांव में जली है, सिर्फ और सिर्फ आपकी अंधभक्ति से, आपकी मूर्खता से, आपकी लापरवाही से। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि अगर आपकी भावनाएं किसी सही कार्य के लिए आपकी भावनाएं आहत होती हैं तो मैं आपकी सुनने के लिए तैयार बैठा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उस गांव से लगभग 4 जवान बहने गई हैं, 3 छोटे छोटे बच्चे गए हैं और 2-3 माताएं उस घटना की शिकार हुई है। गांव पड़ता है बालावाली, बालावाली से कुछ लोग दूसरे गांव में, आज एक त्योहार चल रहा है, बड़ी भीड़ के साथ में लोग निकल रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप जाना ही चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था करें जिसमें आपका नुकसान ना हो। वैसे तो मैं चाहता नहीं कि आप ऐसी जगह जाएं, लेकिन अगर आप जाना ही चाहते हैं तो ऐसी तो व्यवस्था कम से कम करो कि आप सुरक्षित जाएं और सुरक्षित घर वापस आ जाएं। हमारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली गांव के बाहर लगा रहे हैं और उसमें अटाकुट भीड़ भरकर हाईवे पर झूमते हुए नाचते हुए, एक त्योहार चल रहा है, उस त्योहार में शरीक हो रहे हैं। आप त्योहार में शरीक हुई है, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं लगातार आपको पिछले
पिछले 8 साल से समझा रहा हूं, इस जिले का ऐसा कोई गांव नहीं और इस जिले का ऐसा कोई बच्चा नहीं जो वैक्सीन को नहीं जानता है। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक माता, प्रत्येक नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग मेरे नाम से मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं उनसे अगर नहीं भी मिला हूं, वो सकल से नहीं जानते तो मेरे नाम से जानते हैं कि वैक्सीन कौन है। कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करो कि आप लोग सुरक्षित रहे, उसमें आप अटाकुट भीड़ भरकर और हुड़दंग मचाते हुए सड़क पर निकलते हैं, क्या आपने सोचा कि आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? क्या आपने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, माताओं ने अपनी बेटियों को, बाप ने अपने बेटे को क्या यही शिक्षा दी है? एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, कितना दर्द कितना दुख सहन करती है कि जब उस बच्चे को वो जन्म देती है और उस बच्चे को अपना पेट काट काट कर, क्योंकि मेरे समाज में आर्थिक तंगी सबसे ज्यादा है। मैं किसी राजनीति पर बात करने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि राजनीति बात की बात है, राजनीति उसी समाज, वही समाज राजनीति में आगे बढ़ सकता है जो समाज कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे। ये संस्कार दिए हैं आपने अपने बच्चों को, जहां तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है वो सब लोग मेरी बात को सुने, जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये संस्कार दिए आपने अपनी बेटियों को कि वो ट्रॉलियों में लद के उस ट्रॉली में जाने की संख्या मात्र 25 से 30 हो सकती है, लेकिन आप ठूस ठूस कर 100-150 लोग उसमें भर देते हैं और हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी उस ट्रैक्टर ट्रॉली में भर कर जाते हैं और जब कोई हादसा हो जाता है तो फिर पछताते हैं। 1 साल 2 साल पहले भी सहारनपुर में हादसा हुआ था, फिर एक हादसा सहारनपुर में हुआ, अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली रबझाई में घुसी और वहां जो है 10 लोगों की मौत डूबने से हो गई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन मुस्लिम समाज के साथियों का जो अपने खेतों में काम कर रहे थे और जिन्होंने एक मुस्लिम समाज का मात्र 13 से 14 साल का बच्चा, जिसने 10 लोगों को बचाने का काम किया है, उन लोगों ने लगातार लोगों को निकालने का काम किया है, लेकिन उस समय देर हो चुकी थी कि वो सबको बचाते। तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने ये संस्कार दिए अपने बच्चों को, बाबा साहब ये चाहते थे, बाबा साहब इस आंदोलन को चलाना चाहते थे, ये बाबा साहब के आंदोलन का हिस्सा नहीं है, ये बाबा साहब के आंदोलन का हिस्सा नहीं है, ये तुम्हें आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं और तुम जानबूझकर आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हो। कोई ना कोई तीज त्योहार आता रहता है, मेरे समाज के लोग कर्ज पर पैसा लेकर उस तीज त्योहार को मनाते हैं। अरे मैं कहता हूं कि कर्ज पर अगर पैसा लिया है तो अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, उसे सक्षम बनाओ और उसे सक्षम बनाकर एक जिम्मेदार इंसान बनाओ, जिम्मेदार नागरिक बनाओ कि वो समाज के प्रति, देश के प्रति कुछ करके दिखाए, तब माँ बाप का सीना चौड़ा होता है। ऐसे बीच उम्र में हादसों का शिकार होकर माँ बाप का सीना चौड़ा नहीं होता है। जिस माँ का एक 23 साल का बेटा चला गया, उस माँ पर क्या गुजरी होगी? जिस बाप का बुढ़ापे का सहारा चला गया, उस बाप पर क्या गुजरी होगी? कभी सोचा है आप लोगों ने? अपने बाप को बाप नहीं मानते हो और दूसरों के यहां जाकर मत्था टेकने का काम करते हो। लगातार 8 साल से आप लोगों को समझा रहे हैं, आपकी जयंती आती है, मात्र 1 साल में हमारे लोग जो है गुरु महाराज जी के मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, मात्र 1 साल में, और वो भी जब जयंती आती है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी औकात दिखाने का काम करते हैं। साल में एक त्योहार तुम्हारा आता है, दूसरा त्योहार आता है 14 अप्रैल। वैसे तो बहुत से महापुरुष हैं जिन महापुरुषों ने इस आंदोलन को चलाया है, हमारे महापुरुषों से पहले भी जो पिछले वर्ष से महापुरुष आते हैं उन्होंने इस आंदोलन को चलाया है, माता सावित्री बाई फुले, साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया है। जिस काम को हम लोग कर रहे हैं
वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। हमारे आंदोलन का अगर हिस्सा है तो ये है कि हम बुरी आदतों का शिकार ना हो। हमें अपने अधिकार सुरक्षित करने के लिए इस देश में शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र नेता इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के लिखित संविधान की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, वो नेता तुम्हारा बेटा तुम्हारा बच्चा चंद्रशेखर आजाद है। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब इस देश के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले साहब के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, इस आंदोलन को चला रहे थे, तो हमारे भी समाज के लोगों ने जो दूसरों की हाथ की कठपुतली लिया थे उनका विरोध करने का काम किया था। और जब बाबा साहब हमारे बीच से चले गए तो फिर वही लोग, वही समाज के लोग जो बाबा साहब का विरोध कर रहे थे उन्हें पछतावा हुआ और वो कहते हैं कि ये काश बाबा साहब कुछ समय हो हमारे बीच में और टिक जाते। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के आंदोलन को माननीय कांशी राम साहब ने चलाया और आंदोलन को खड़ा किया और आपको कहीं ना कहीं समाज के हाथ में सत्ता देने का काम किया। और माननीय कांशी राम साहब एक विचारधारा पर काम करते थे, वो बहुजन समाज के लिए रात दिन एक करके बहुजन समाज बनाकर उस बहुजन समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। और उन्होंने कहा भी था कि बहुजन समाज आज इतना पिछड़ा हुआ है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इतना काम इन लोगों के लिए किया है, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के कारवा को बढ़ाने के लिए रत्ती भर भी समाज ने काम किया होता तो आज प्रदेश की नहीं देश की सत्ता इस देश के बहुजन समाज के हाथ में होती। लेकिन बाबा साहब के आंदोलन को रत्ती भर भी समाज के लोगों ने बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन एक मसीहा पंजाब के अंदर पैदा हुआ, उस मसीहा ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन माननीय कांशी राम साहब के जाने के बाद क्या हुआ? अरे माननीय कांशी राम साहब के मिशन का सौदा हो गया। माननीय कांशी राम साहब के मिशन का सौदा कर माननीय कांशी राम साहब की विचारधारा को मार दिया गया इस देश के अंदर। वो तो चाहते थे कि बहुजनों का राज स्थापित हो इस देश के अंदर, बहुजन समाज इस देश के अंदर आगे बढ़े, क्योंकि जो लोग आज पार्टियों पर कब्जा किए बैठे हैं वो लोग कभी तुम्हें आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते। आज सरकार में बैठे लोग पीछे के दरवाजे से कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रहे हैं, वो आपके आरक्षण को, आपके एक्ट को और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो इस देश में हिंदू मुस्लिम के झगड़े कर आपका भाईचारा खराब करना चाहते हैं, आपको लड़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने साथियों से एक बात और कहने के लिए आया हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का साथ अगर इन टोपी वाले मुसलमानों ने ना दिया होता तो बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका ना मिलता। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को अगर मौका ना मिलता तो आज इस महक सिंह की औकात नहीं होती कि माइक पर खड़ा होकर बोल लेता। आज विरोधियों के पेट में दर्द इसी बात का है, वो कहीं ना कहीं कुठाराघात करते हैं। अगर इस समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़कर इस समाज की लड़ाई को लड़ता है तो हमारे ही समाज के दो चार टिकाऊ तटपूंजियों को खरीद कर हमारे ही सामने खड़ा कर दिया जाता है और हमारी टांग खींचने का काम करते हैं। ये सच्चाई है। और जब समाज नहीं बिकता है, समाज समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे साथियों का ही हमसे विरोध कराना चाहते हैं, तो जब उनका समाज पर बस नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के नेताओं के चरित्र पर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके चरित्र पर उंगली उठाने का काम करते हैं। जब उसमें भी वो सफल नहीं हो पाते हैं फिर वो आपके बच्चे आपके बेटों के ऊपर गोलियां चलाने का काम करते हैं, आपके मिशन को खत्म करने का काम करते हैं।
के साथ कह सकता हूं, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि प्रमाण है आपके सामने कि जब जब बहुजन मूवमेंट बढ़ी तब तक बहुजन मूवमेंट बढ़ाने वाले नेता को मारा गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की हत्या की गई, माननीय कांसी राम साहब की हत्या की गई, भाई चंद्रशेखर आजाद की हत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन आपकी आंखें आज भी नहीं खुली, आपकी आंखें आज भी नहीं खुली कि कोई साथी आपकी लड़ाई लड़ रहा है आपकी बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए, इन बहनों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, इन भाइयों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है। नहीं तो बहुत धार्मिक चौपालें लगती है, बहुत मठों के माध्यम से बहुत बड़े 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 मंच सजाए जाते हैं और उनमें अधिकतर लोग किसके बैठे होते हैं, हमारे अधिकतर लोग हमारे बैठे होते हैं। संघ की मीटिंग होगी, हमारे लोग बैठे होंगे, कहीं कोई सत्संग की सभा होगी, सबसे ज्यादा हमारे लोग बैठे होंगे। क्या उन सत्संगों में कभी बाबा साहब की मूवमेंट की बात की गई? क्या उन सत्संगों में कभी संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी की बात की गई? जब वो लोग पकड़ में आए, जब उनका काला चिट्ठा समाज के सामने खुलने लगा और हमारी औरतें जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम थी उनकी समझ में बात आई, तो उन्होंने बाबा साहब का गुणगान करना शुरू कर दिया है। तो बाबा साहब की बड़ी बड़ी फोटो लगाकर तुम्हें कहीं ना कहीं लुभाना चाहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मिशन को चलाने वाले लोग हैं। अरे इस देश में अगर आपका नुकसान किसी ने किया है, सबसे ज्यादा आपके बच्चों के भविष्य के साथ में किसी ने खिलवाड़ की है, शुरुआत कांग्रेस ने की थी और आज बढ़ावा उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, आज बढ़ावा उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। ये मिड डे मील की शुरुआत ये भाजपा के समय में नहीं हुई, ये तो कांग्रेस के समय में हुई, जब उन लोगों ने देखा कि इनके बच्चे कहां से पढ़कर आ रहे हैं, ये डीएम कलेक्टर बन रहे हैं, ये आईपीएस बन रहे हैं, ये इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, उस शिक्षा को खत्म करने के लिए इस मिड डे मील को आप लोग आपके बच्चों के स्कूलों में लाया गया, क्योंकि उस स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके उस स्कूल में गरीब बच्चों को अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और आज उसे बढ़ावा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज तुम्हारे बच्चों के बैग में सबसे पहले चम्मच और प्लेट मिलेगी, सबसे पहले माँ पूछेगी कि इसमें चम्मच प्लेट रखी कि नहीं रखी। माँ कभी ये नहीं पूछती है कि आज कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, उसकी किताब रखी कि नहीं रखी, होता है कि नहीं होता है। हम इतने सक्षम नहीं है कि हम महीने के 10,000 रुपए फीस भरकर हम जो है इन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही बात समझाना चाहता हूं। अभी ये बच्चे हैं, ये एक पौधा है, व्यक्ति एक पेड़ लगाता है, वो चाहे तो उस पेड़ को नष्ट कर दे और वो चाहे तो उस पेड़ का बरगद बना दे, ये व्यक्ति के हाथ में होता है। अगर बराबर उस पेड़ की सिंचाई की जाएगी, बराबर उसमें खाद पानी डाला जाएगा, तो पौधा एक दिन पेड़ बनकर तैयार हो जाएगा। आपने उसका ख्याल किया, पेड़ बनकर तैयार हुआ, आपने उसका ध्यान रखा, तो फल किसने खाए? आप लोगों ने खाए। ये बच्चा एक पौधा है, जैसे संस्कार इसे घर से मिलेंगे, जैसे संस्कार इसे समाज से मिलेंगे, उसी हिसाब से बढ़कर पलकर तैयार होगा। अगर गंदे संस्कार मिले होंगे तो बच्चा आगे चलकर गंदे ही काम करेगा, और घर से अगर अच्छे संस्कार मिले होंगे तो बच्चा आगे चलकर अच्छे ही काम करेगा। तो मैं अपनी मातृशक्ति से कहना चाहता हूं कि मां मुखिया होती अगर मां सब मैं पिता को मुखिया नहीं मानता हूं घर का, मैं पिता को मुखिया नहीं मानता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष भोनू राणा जी यहां पर बैठे हैं और तमाम ये भगवानपुर की टीम यहां पर बैठी है, साथ ही लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, और मैं जहां पर भी बोलता हूं बहुत कड़वा बोलता हूं, क्योंकि इन सब के अंदर और मेरे अंदर समाज की बहुत पीड़ा है। ये वही आपका बच्चा है जिस पर कुछ लोगों ने अभी कुछ समय पहले इनाम रख दिया था कि जो इसे मारेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो बाबा साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर है, माताओं बहनों का आशीर्वाद बहुत बड़ा हमारे ऊपर है। अगर मर भी गए तो खून का लहू का एक एक कतरा क्रांति लाएगा, घर नहीं बैठेगा चैन से।
मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि घर की मुखिया माँ होती है। मैं पापा को कभी घर का मुखिया नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाता है, मेहनत मजदूरी करके लाकर माँ के हाथ में दे देता है। अब घर की गृहिणी उसे किस तरह से इस्तेमाल करती है, किस तरह से नहीं करती है, ये माँ पर डिपेंड करता है, माँ पर आधारित है कि वो उसे किस प्रकार से खर्च करती है। ज्यादातर समय बच्चा माँ के साथ में बिताता है, पापा के साथ में ज्यादा समय नहीं बिताता है। और जिसके साथ में ज्यादा समय बच्चा बिताता है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। घर का मुखिया वो है, उसकी जिम्मेदारी अधिक बनती है कि अपने बच्चों को सही संस्कार दे। और पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब कहीं से मेहनत मजदूरी करके आए अपने बच्चों को दोस्त जैसा व्यवहार करें, उन्हें समझाएं कि किस प्रकार से समाज में भ्रांतियां फैली हैं, हमें इन कुरीतियों से, इन भ्रांतियों से दूर रहना है, हमें किसी प्रकार से मानसिक गुलाम नहीं रहना है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब यही चाहते थे कि मैं जिस कारवा को यहां तक लाया हूं इस कारवा को कभी पीछे मत जाने देना, इस कारवा को आगे बढ़ाना, लेकिन मेरे समाज के लोग कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी के आधार पर इस कारवा को पीछे हटाने का काम कर रहे हैं। अरे आपके बच्चे आपके लिए गोलियां खाने तक तैयार हैं, बहन बेटियों की इज्जत के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। हमारे माँ बाप को यह तक पता नहीं होता कि हमारा बेटा घर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप लोग तब भी साथ नहीं आते निकल कर तो क्या होगा। मैं सिसोना वासियों से कहना चाहता हूँ, दो बार पहले भी मीटिंग की है, सिसोना जैसा कोई बच्चा नहीं होगा जो मुझे नहीं जानता है, सिसोना की ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो मुझे नहीं जानता है। यहाँ मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं सिसोना में, लेकिन मैंने कभी परिवार को रिश्तेदार को कभी बढ़ावा नहीं दिया है। मेरे लिए सबसे पहले रिश्तेदारी बाद में है, मेरा परिवार बाद में, सबसे पहले मेरे लिए बाबा साहब की मूवमेंट है, भाई चंद्रशेखर आजाद का आंदोलन मेरे लिए पहले है। ये मेरा छोटा भाई बेटा है यहाँ पर विनीत, ये हमारा ही खून है। और अब मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से इस विधानसभा की टीम ने क्रांतिकारी तरीके से काम किया है, अब उनके साथ में छोटा महक सिंह उनके साथ में काम करेगा। और जिस तरह से मेरे पहले साथियों ने रफ्तार से काम किया है, मुझे भरोसा है कि अब यह दुगनी रफ्तार से इस विधानसभा में काम होगा। लेकिन आपको कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए आया हूं। बल्ला वाली की घटना से सीख ले लो, नहीं तो मरते रहो, पिटते रहो, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे आप लोगों को यहां कमजोर कर दिया जाए। सरकार पूरी तरह से आपके अधिकार खत्म करने पर लगी है, और कोई हमारे समाज का भाजपा से आपके बीच आ जाता है तो आप उसकी भी बात सुनने लगते हैं। जो लोग डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे से भाजपा को समर्थन करते हैं वो लोग आपके बीच में आ जाते हैं नीले झंडे के साथ में कि हम समाज की रहनुमाई कर रहे हैं। कांशीराम साहब के जाने के बाद तो मिशन को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया, कांशीराम साहब के मिशन को रुपयों की तराजू से तोल दिया गया। एक साइड में रुपयों की पोटली रखी गई और एक साइड में कांशीराम साहब का मिशन रखा गया, और उस मिशन को रुपयों के साथ में तोल दिया गया। आज तुम्हारा भाई सच्चाई से काम कर रहा है, एक ऐसा नेता की गोली लगने के बाद भी भरतपुर जाकर अपने समाज की लड़ाई लड़ता है। भरतपुर यहाँ से कम 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के अंदर आपकी लड़ाई लड़ता है। तो आपके ये बच्चे लगातार आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप चिंता ना करें, हम आपकी सुरक्षा में खड़े हैं। अपनी बहनों से कहना चाहते हैं कि आप चिंता ना करें, आपके भाई आपकी सुरक्षा में खड़े हैं। एक समय हो सकता है आपके परिवार के लोग साथ छोड़ दें, लेकिन आप फोन करना, आपके भाई आपके लिए तैयार खड़े हैं। इस विधानसभा के क्रांतिकारी साथी ये भाई राजेंद्र लांबा जी, ये भाई सुमित जी, ये भाई सुमित कटारिया जी, ये विनीत जी, ये बहुत सारे साथी जो इस विधानसभा में काम करते हैं, मैं सबके सब मेरे सामने नहीं है, ये सब लोग अपना घर बार छोड़कर काम करते हैं, ये पता है आपको। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम चाय पीकर निकले और पूरा दिन मीटिंगों में हुआ। ये अमरीश कपिल जी यहाँ पर बैठे हैं, बता देंगे, जब भाई हम चंद्रशेखर जी के साथ में काम करते थे, कि कभी कभी ऐसा हुआ कि सुबह चाय पी हम निकल गए, रात को 2 बजे घर आए, अब 2 बजे कौन खाना दे। रात को 2 बजे आकर सो गए, सुबह चाय पानी पी फिर अगले दिन निकल गए। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटी हैं, लेकिन फिर हमने एक तरीका अपनाया कि भाई ऐसा है, चाय पानी तो घर पी लिया, जहां मीटिंग होगी जिस गांव में होगी भाई चाय मांग कर खाना पड़ो, है तो बिरादरी मांग कर खा लेंगे। हम अब जब जिस गांव पर भी जाएंगे हम रोटी की परवाह नहीं रखती, हम पहले गादर से रोटी खा लेंगे।
तो आपको यही समझाने के लिए आया था। मेरे साथियों ने सारी बातें कर ली है, मेरे यहाँ पर जिला अध्यक्ष और प्रदेश के महासचिव और विधानसभा अध्यक्ष दोनों बैठे, उन्होंने बहुत सारी बातें आपको समझाई। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी तो अच्छे संस्कार बच्चों को दो, अच्छे संस्कार दो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का मिशन ही आपको मुक्ति दिला सकता है, अन्यथा कुछ भी कर लेना, कितना भी पूजा पाठ कर लेना, कुछ भी कर लेना, कोई आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान ही आपको मुक्ति दिला सकता है, उसके अंदर आपके अधिकार सुरक्षित है। अभी 23 तारीख में भारत के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा, उस इतिहास के बारे में आप सबको जानकारी है कि हम लोग चंद्रमा तक पहुंचे। बहुत बड़ा इतिहास जो है भारत के वैज्ञानिकों ने रचा, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश में रहता हूं जहां इतने काबिल साइंटिस्ट हैं कि सबसे पहले अगर किसी ने चंद्रमा पर झंडा लहराया तो भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रमा पर झंडा लहराया गया। मैं उसके लिए गौरवित हूँ और मुझे आपको भी उसके लिए खुश होना चाहिए, हम सबको खुश होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में ये जो जहर सरकार के लोग, चंद्रमा तो बहुत दूर है, ये तो जहर जो सरकार के लोग गांव-गांव में फैलाने का काम कर रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, नूह जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, गोकसी के नाम पर झूठे मुकदमे लगाकर बजरंग दल के लोग मुसलमानों को मार दे रहे हैं। इन चीजों का ध्यान रखो, किसी से आपका कोई बैर विरोध नहीं है, आप सभी लोग प्यार से, अमन से और चैन से रहें। मेरा इतना ही आपको कहना था। जय भीम, जय भारत। भाई इस बार देखो, हम जब अपने साथियों के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स कॉज व्हेनेवर वी अप